अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आता हूँ होस्ट आसम बशीर, तो तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों से अज मौजूद हाँ चक नंबर 98 ML च रफीक नर्सरी फार्म से, तो कलमा लगिया हुई दिखाते हैं तो दसदे हैं कि एक कलम तो एक साल के अंदर अंदर किस तरह पौधा तैयार किया जा सकता मिठे का। नाल मालिक का इंटरव्यू करते हैं। चलो फिर करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने तो पहले दोस्तों ने गुजारिश आया कि साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लो ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी मिलती रहन। लो जी दोस्तों, यह तुम कराया जा रहा ओवरऑल रिव्यू। दोस्तों माशाल्लाह तुसी इहदी जड़ चैक कर सकते हैं, जड़ की लंबाई चैक करो माशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, तुसी जिस तरह के देख सकते हैं कि गोड्डी की जा रही है। चलो फिर इन्होंने गल करते हैं तो इन्होंने मज़ीद इनफॉर्मेशन लेने कि इन्होंने कलमकारी ही क्यों तरजीह दी। हाँ जी दोस्तों, नर्सरी मौजूद है, उन्होंने गल करते हैं तो पूछ रहे हैं कि उन्होंने सट्टी की बजाय कलम का तो प्रेफर किया, तो यह काम किन्ने अर्से तो कर रहे हैं। हाँ जी भाई, माशाल्लाह मैं तीन चार साल कर रहा ये मेरा पहला यानी कि तजर्बा है कभी से कलम उगाने से। माशाल्लाह बहुत सक्सेस रेट मिला है, कलम की यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। उम्मीद है इंशाल्लाह 11-12 महीने के बहुत पूरा तैयार होगा, तकरीबन 4-5 फुट इंशाल्लाह तैयार हो। अच्छा, तो यदि हूँ कितनी उम्र है? यदि हूँ तकरीबन उम्र है इस दौरान 4-3 महीने यही उम्र है, तो इंशाल्लाह अगर गर्म ना हो तकरीबन 9-10 महीने हो गए तो कलम तैयार। तुम्हें कितने मंथ से लगाया थी है? असी यह तकरीबन जो है ना फरवरी के तकरीबन 15। अच्छा, लोग तो खट्टी ज़्यादा प्रैफर करते हैं, तुम कलम से कदों एक्सपीरियंस किया तजर्बा करो? कलम तो असी इस वास्तव की साढ़े को खट्टी थोड़ी शार्ट थी, पिछले साल खट्टी की जो स्टार्ट हो गई थी तो आम वजह तो साढ़े को पौधा उसका तैयार थी, अभी कलम के काम थोड़ी थोड़ी तो माशाल्लाह यानी कि सू इस टाइम जगह पौधा घट हो यानी कि अभी कलम कर एक्सपीरियंस है माशाल्लाह पौधा अच्छा तैयार किया। यानी कि जड़ वगैरह सोहनी होंगी है, कल जड़ अच्छी जाती है। अभी असं शर्त दे के लगाने की वजह है कि गाची जी अगर उन्हें पट लिया ना तो उस टुट जाती है गाची मिट्टी के, लेकिन जो अगर अभी चापर देख लगाने तो कलम लगाई तो बिल्कुल चापर यानी कि सेव है, गाची बिल्कुल ज़्यादा सेव है। अभी जितने लगावे तो पौधा खुद लगा जो कुछ लगया है तो हूँ तक कोई बीमारी वगैरह आई है? बीमारियाँ वगैरह आदि ने ये तो वीक माइनर का आंदा है तो अटैक होंगे काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ होंगी है, तो अभी स्प्रेयां टाइम से करके रखी हम कैंसर की बीमारी आ रही है, अभी हम ये पहले ही पहले कंट्रोल कर। तकरीबन एक साल अंदर अंदर कोई नर्सरी तैयार हो जाती है, तो कितनी स्प्रेयां तकरीबन करते हो? साल के तकरीबन साड़ी जो की ग्रोथ तेज होंगी उस दौरान 11 स्प्रेयां होंगे, लेकिन जिस टाइम यानी कि जुलाई का महीना चलता उस दौरान यानी कि दोवें साल की उस टाइम घट ग्रोथ भी घट होंगी है, तो स्प्रेयां भी घट होंगी गोडी इस टाइम नहीं करनी पड़ी। तो उस अलावा यानी कि ना ही 11-12 महीने सर्दी के दौरान कोरे पाने ना उस टाइम कोई स्प्रेयां नहीं गोडी हुई है, तो आज 3-4 महीने हैं जो यानी कि नर्सरी में नहीं करना पड़ा। उसके अलावा जनवरी करनी शुरू हो तो 15 दिसंबर 18 अक्टूबर करना पड़ा। अच्छा, एदा खट्टी का तो कलम के खर्चे का की फर्क है? कि ए खर्चा ज़्यादा आंदा कि खट्टी तो ज़्यादा खर्चा आंदा? नहीं, साडा एक्सपीरियंस ये हो कलम से छप के शिफ्ट की है, पहला एक्सपीरियंस भी ना अभी किसी की लगी देखी कलम पहला छप के छप के हूँ यह कि साढ़ा तकरीबन 1.5-1.5 रुपये छप से खर्चा होया। हालांकि अभी जे अगर किसी को गाची भी पटवाने कलम छप के नहीं लगाते तो गाची जो पटवाने तो वह गाची जी है और 4-5 रुपये खर्चा आ रहा सिर्फ पटाई से, असं सिर्फ ये छप में इवें चकना फिर चार छोटी करा अगर जड़ थे कोई गेम रहेगी तो अभी जड़ा भी छप दे देंगे पौधा पौधा ये रहेंगे छापर के यानी कि बगैर उस तो बाद फिर सूर्य गाची कट रहे हैं गाची के छप सूचा होना पैदा, लेकिन ये छप बिल्कुल तैयार है। यानी थोड़ा कहना कि खट्टी के नालों कलम ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, अगर जो नवे लोगों को प्रैफर करो तो कलम आई साइड से आने की बई हम कलम बार एक गल दस जी फल यानी कि थोड़ा फर्क आ सकता, लेकिन यानी कि फर्क इस तरह क्योंकि खट्टी का फल बहुत खट्टी का पेन जो होंगे ना पौधा वो फल की मिकदार ज़्यादा होंगी है,
लेकिन कलम दे विच असीं कुछ भी नहीं कह सकते हैगे कि हाल क्योंकि आने वाले टाइम दे विच असीं इहदा जिहड़ा पहला तजर्बा ना साडी तरफों दे। अच्छा भी दोस्तों अज्ज दी वीडियो होई मुकम्मल, अगर वीडियो तुहानूं पसंद आई होवे तां लाइक ते शेयर कर देना ते चैनल नूं भी सबसक्राइब जरूर कर देना।